हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिसके याद में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं। भारत के द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1957 में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहते हैं? किसने किया था या भारत के संविधान का निर्माण किसे का निर्माता किसे कहते हैं या निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पाँचवा क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। छठा नंबर क्वेश्चन है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा इसका 489। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। आठवां नंबर क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और चीन, भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो गुट निरपेक्ष जो आंदोलन हुआ था शीत युद्ध के बाद हुआ था, दो गुट में जब बट गए थे तो गुट निरपेक्ष गुट एक निरपेक्ष बनाया गया जो दोनों से अलग बनाया गया था, इसका हुआ था 1961 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम गृह मंत्री जो थे श्री वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आंसर हो इसका उत्तर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1948 में। 13 नंबर में है, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो गुट निरपेक्षता का जो अर्थ होता है, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। दो गुट शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के दो गुट बन गए थे, वो दोनों में शामिल ना होने वाले को यानी ना होने के लिए एक और गुट बनाया गया था जिसे गुट निरपेक्षता का नाम दिया गया। पंचशील समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल 1954 में। भारत के वित्त आयोग का कार्यक्रम कितना है? तो 5 वर्ष का होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश में। भारत का वित्तीय वर्ष होता है, भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1951 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत की नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1991 में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1967-68 में हुआ था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का प्रथम अंतरिक्ष आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क में शामिल नहीं है? सार्क में जो शामिल नहीं है वो है
चीन, भारत, पाकिस्तान, भूटान और क्या कहते हैं बांग्लादेश, नेपाल, ये सब सार्क में शामिल हैं। चीन सार्क में शामिल नहीं है। ताशकंद समझौता कब हुई थी? ताशकंद समझौता जो 1966 ईस्वी में हुई थी। शिमला छोड़ समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उस चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण का रक्षा करना, पेड़ों को काटने से बचाना। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिए थे जयप्रकाश नारायण ने। भारत की नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? भारत की जो नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ था 1991 ईस्वी में। धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों का एक समान आदर देना, जो कि पूरे विश्व में भारत में है। कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध हुआ था? तो शीत युद्ध जो हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। आंसर होगा सी। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? शीत युद्ध का जो शुरुआत हुआ था 1945 के बाद से हुआ था। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? दूसरा विश्व युद्ध जो चला था 1939 से 1945 तक। वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, वैश्वीकरण की नीति से सबसे जो अधिक प्रभावित हुए थे वो गरीब थे। मानव अधिकार कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस जो हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था ऑप्शन सी 1990 में।